धनबाद में कोयला कारोबारी मैनेजर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोविंदपुर थाने में पूछताछ चल रही है। मैनेजर राय पर न्यूज 11 चैनल के माध्यम से राकेश ओझा के डिपो के संबंध में भ्रामक खबर चलवाने का आरोप है। व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता में साजिश रचने का भी आरोप है। इसी मामले में न्यूज 11 के संचालक की भी गिरफ्तारी हुई थी। मैनेजर राय पर दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी धनबाद से राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, कोयला कारोबारी मैनेजर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ बातें सामने आ रही है? अनुष्का, बता दें कि धनबाद में एक बड़ा कोयले के मामले में किंग पिन कहा जाता है मैनेजर राय को। पिछले कई वर्षों से एक छत्र राज कहा जाए तो मैनेजर राय का धनबाद के अवैध कोयला कारोबार में भी रहा है, वैध कोयला कारोबार में भी रहा है। और यह जो गिरफ्तारी हुई है पिछले दिनों, जो राकेश ओझा नाम के जो एक अन्य कोयला व्यवसायी है उनके FIR के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि किस तरह से दर्जन भर से अधिक मामले मैनेजर राय पर अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसमें कि कई गंभीर मामले भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी मामले हैं, बम बनाने के भी मामले हैं और अवैध कोयला के कारोबार से संबंधित दर्जनों मामले धनबाद ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और यूपी के कई थानों में दर्ज हैं। अगर इस गिरफ्तारी के संदर्भ में बात करें तो पिछले दिनों जो 27 जून को राकेश ओझा के तरफ से जो थाने में FIR दर्ज कराई गई थी उसमें उसी मामले में न्यूज 11 के संचालक अरूप चटर्जी जी हैं उनको पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उस मामले में आज भी कोर्ट में सुनवाई होनी है और उनके तरफ से जमानत की अर्जी डाली जाएगी। और इधर बात करें तो उसी मामले में मैनेजर राय की भी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि क्या है पूरे मामले की सच्चाई। तो आने वाले वक्त में पुलिस पूरे मामले की तहकीकात बेहतर तरीके से कर सकेगी। इसके लिए मैनेजर राय की गिरफ्तारी बहुत अहम थी और एक पहला, एक तरह से कहा जाए तो मौका है धनबाद के लिए, धनबाद के गोविंदपुर पुलिस के लिए, जब मैनेजर राय पुलिस के शिकंजे में है और तमाम जो जानकारी है पुलिस इकट्ठा करेगी। बताया जा रहा है कि बराकर से गिरफ्तारी हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र बताया जा रहा है, वहीं से गिरफ्तारी हुई है। और जो DSP अमर कुमार पांडे हैं उनके नेतृत्व में ये पूरी गोविंदपुर थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ चल रही है। संभव है थोड़ी देर में उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाए, उसके बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी अनुष्का, क्या गिरफ्तारी के बाद मैनेजर राय की उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? गुप्त स्थान पर रखा गया है, मीडिया कर्मियों से उन्हें दूर रखा गया है और पुलिस के जो पदाधिकारी है वो भी अपने स्तर से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ देर में उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी अनुष्का, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों से भी संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि अपने धंधे में वो परिजनों को कभी इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन धनबाद का जो कोयला का जो अवैध और वैध दोनों कारोबार जो चलता है उस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों की निगाहें मैनेजर राय के ऊपर टिकी हुई है। पिछले दिनों जो गिरफ्तारी हुई थी अरूप चटर्जी की उस पर दिन भर टिकी रही है, पूरे कोयलांचल के लिए यह चर्चा का विषय रहा। और कोयले का जो कारोबार देश के अलग अलग हिस्सों में जहां चलता है और जहां से इनके कोयले की खपत होती है, जहां पर ये अपने कोयले को भेजते हैं, उस क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भागम भाग की स्थिति बनेगी, एक बड़ी उथल पुथल हो सकती है। और आने वाले वक्त में धनबाद में कोयला के वैध और अवैध कारोबार में किंग कौन होगा, यह भी संभव है कि कोई नया व्यक्ति आगे आ सकता है। जी कुछ दिन पूर्व हुई गिरफ्तारी में अरूप चटर्जी की जो गिरफ्तारी हुई है तो क्या लगता है कितनी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को? अगर हम अरूप चटर्जी की बात करें तो उनकी पत्नी की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उच्च न्यायालय में उस पर आज सुनवाई होनी है तो वहां पर सुनवाई होगी। दूसरी जो धनबाद में उनकी जमानत की याचिका है उस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन कई मामले जो पहले से उनके ऊपर दर्ज है जिसमें चिटफंड कंपनी से लेकर के कई चेक बाउंस के मामले भी हैं तो उस मामले में पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। और आज अगर जमानत नहीं मिलती है तो ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी। जी
धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि धनबाद में कोयला कारोबारी मैनेजर राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदपुर थाने में उनसे पूछताछ चल रही है। मैनेजर राय पर न्यूज 11 चैनल के माध्यम से राकेश ओझा के डीपो के संबंध में भ्रामक खबर चलवाने का आरोप है। व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता में साजिश रचने का भी आरोप है। इसी मामले में न्यूज 11 के संचालक की भी गिरफ्तारी हुई थी।